भाई गाड़ी तो आगे बढ़ी नहीं रही कोई चीज। ले भाई ले खिंच गई लिगड़ गई भाई। टको फोर विकास वर्सेस थार, क्या सीन है भाई, व्हाट अ ड्राइंग। लेट्स गो। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज भाई हम लोग जा रहे हैं थार के साथ टग ऑफ वॉर करने के लिए। भाई मेरे को ड्रैग रेस का तो एक्सपीरियंस है, मैंने दो बार ड्रैग रेस तो कर ली, एक मर्सिडीज के साथ करी थी, अभी रिसेंटली एक थार के साथ भी करी है, और आज फर्स्ट टाइम टग ऑफ वॉर करने जा रहा हूँ। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता कैसे क्या होता है कैसे नहीं, नो आइडिया, बट लेट्स सी कि क्या होगा। टग ऑफ वॉर भाई जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ, टग ऑफ वॉर मतलब एक रस्सी से दोनों गाड़ियाँ बांध दी जाएंगी, एक तरफ रस्सी के किनारे पे होगी थार, एक तरफ होगी एक्सयूवी, और फिर दोनों गाड़ियाँ खींचेंगी एक दूसरे को, और जो जिसको खींच लेगी वो जीत जाएगी। तो देखते हैं भाई कैसा रहेगा टग ऑफ वॉर का एक्सपीरियंस। बात बताऊं, 4x4 है ये भी है भाई, थार 4x4 है तो ये तो पता ही है यार सबको, थार उस हन्नी की 4x4 है, ये हमारे सामने ही चल रही है, देखो ये सामने थार जा रही है। कुछ नहीं कह सकते यार, कुछ नहीं पता, पर जैसे ड्रैग रेस के टाइम पे ये था कि एक्सयूवी ही जीतेगी, और हुआ भी वही, एक्सयूवी ड्रैग रेस के मतलब एक्सयूवी ड्रैग रेस में थार के ऊपर थोड़ी हैवी पड़ी, तो वो वाली एडवांटेज इस बार थार के पास है कि टग ऑफ फोर में थार एक्सयूवी के ऊपर हैवी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता भाई, लेकिन ये जरूर है कि टायरों की ऐसी तैसी होने वाली है, टायर हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे, गंदी स्मेल आने वाली है, और बहुत सारे टायर घिसने वाले, हो सकता है नए लगवाने पड़ जाएं, कुछ नहीं पता। धुआं भी निकलेगा टायरों से, और भाई टायरों का वो जो रबड़ रबड़ का मेटेरियल होता है वो भी निकला आपको रोड पे दिखेगा, जहाँ भी हम जा रहे हैं अभी देखते हैं। लेकिन ये है कि यार ओवरऑल मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा टग ऑफ वॉर का, कभी नहीं किया, आज करेंगे। सो गाइस पहुंच गए हैं लोकेशन पे टग ऑफ वॉर की, देख सकते हो पीछे मैदान है पूरा मिट्टी का, यहाँ होगी अभी खैचातानी थार की और एक्सयूवी की, इन दो भाई यार की अभी एक फॉर्च्यूनर फंस गई सामने, अभी दिखाता हूँ। तो भाई ये रही थार, ये रही एक्सयूवी। भाई यार तुम टग ऑफ वॉर कर रहे थे क्या इधर? अच्छा वैसे ही फंस गई अन्नी अपनी, जो जिससे हम टग ऑफ वॉर कर रही थी वो अभी टोइंग के काम आए गए। ये कैसी फंस गई भाई वैसे इनकी फॉर्च्यूनर? फंस गई, चलो लिखाड़ो भाई तुम एजेंसी में भरना चाह रहे भाई। यार यहाँ तो हम करने की सोच रहे थे, तो वापस लगानी पड़ेगी बाबू, वापस ले जानी पड़ेगी ना, तेरी 4x4 नहीं है यार, तेरी तो दब जाएगी मुझे लग रहा है। तो वो तो मैं पहले, ये तो है तेरी दब जाएगी, लेकिन थोड़ा सा उस पे देखते जा, थोड़ा सा प्लेन हो यहाँ पे, देख लो भाई कितना उबड़ खाबड़ है। आया हुआ हूँ पर इस वाले एरिया में ना आया, जगह है यहाँ पे कर सकते हैं, ये रही ना ये बीच में ना हनी, यहाँ कर सकते हैं, इधर इधर यहाँ कर सकते हैं, ये बार इनकी गाड़ी निकल जाए फिर करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इनकी फॉर्च्यूनर फंस गई हो, ले भाई आज देख लो तुम, फॉर्च्यूनर को खींच रहा है भाई ये बंदा थार से, देख लो भाई लिगड़ पाएगी नहीं लिगड़ पाएगी। फॉर्च्यूनर फंस रही है, ये गाड़ी ना आराम से निकल सकती है, आराम से। कैसे? दो भाई मैं बता देता हूँ, भाई तुम्हारा भाई निकाल, अनिल काट दियो यार इनकी, हट जाओ यार इनकी भाई निकालेंगे, झटके मत मार यार, झटके मत मार यार, आराम से निकलेगी। उसके भाई दोनों टायर घूम रहे हैं, चारों 4x4 है ना, देखो देखो उसके चारों टायर घूम रहे हैं, 4x4 का ही फायदा है, बट वो 4x4 में निकल जाएगी, वो नहीं फंस सकती भाई, वो निकल जाएगी, उसके चारों घूमेंगे कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी कर करके निकल जाएगी, ये है ना 4x2 में, तो इसलिए फंस गई।
तो ऐसे ही हमारी एक्सयूवी 4x2 है, इसलिए हम नीचे करेंगे अपनी टग ऑफ वॉर, वरना यहाँ तो फंस जाएगी भाई। हाँ उधर करेंगे, इसलिए तो ज्यादा मिट्टी में नहीं लेके आऊंगा ना उसको, वरना ऐसे जो फॉर्च्यूनर का आलो रखा है वो एक्सयूवी का होगा। इन दोनों को ना वहाँ लगाएंगे, वहाँ थोड़ा कम है ये मिट्टी, फिर थार निकालेगी। हाँ ले भाई ले, खिंच गई लिगड़ गई भाई। बधाई हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो भाई अभी हम अपनी वो करते हैं, टग ऑफ वॉर करते हैं भाई। चलो भाई मैं अपनी एक्सयूवी लगाता हूँ उधर। चल लगा लगा। यस चलो भाई, भाई इस पे भी धूल उड़ेगी, वहाँ पे एक्सयूवी यहाँ से। चल घुमा दे पहिए। ये तो यहीं पे लग जाएगा, लेकिन टूल इसके इसमें होंगे ना। उस गाड़ी टेढ़ी नहीं होगी, हमने को ये लगाना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि चश्मा हटा लेता हूँ भाई, दिख नहीं रहा कुछ। ऑटो मैकेनिक होता है, थोड़ा सा काम मिल जाए भाई किसी को अपनी गाड़ी में कुछ करवाना हो। अरे लग नुकसान होना चाहिए कुछ, मैं बस ये चीज कहना चाह रहा था भाई, नुकसान नहीं होगा। हेलो यहाँ तो टायर भी नहीं रगड़ेंगे, मिट्टी है यार। लग क्यों नहीं रहा ये, लगाना भाई मैं तो कभी करता नहीं ना ये टग ऑफ वॉर वगैरह, आज फर्स्ट टाइम है भाई। तुझे क्या जुगाड़ है इनके में? क्या जुगाड़ है तुम्हारे में? हुक है क्या तुम्हारे में? पहले तो अच्छा तुम्हारे में इस टाइप का है, इसे बढ़िया तरीके से टाइट कर देना भाई। चलो भाई फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ वी आर गोइंग टू डू टग ऑफ वॉर। पहली बार कर रहा है चलो भाई। खैर मैं टग ऑफ वॉर तो मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ। टग ऑफ वॉर फर्स्ट टाइम भाई, ड्रैग रेस तो फिर भी कर रखी है। मैं ड्रैग रेस उसमें की हुई है, मतलब स्विफ्ट में की हुई है, मैंने इसमें करी है ना। हां जी, इसका और इससे ज्यादा नहीं जाएगा। पीछे लेनी पड़ेगी थोड़ी सी गाड़ी मेरे को। हाँ तू इस साइड ही ले ले, मैं तो ट्राई इस साइड कर रहा था सो दैट अपनी उस साइड की तरफ से निकल ले। ये तो तेरी फंस जाएगी, तेरी वैसी ही फ्रंट व्हील ड्राइव है। लेट्स सी गाइस, यार रिकॉर्डिंग ऑन करियो, ये तो लेके जाओगा। लेट्स सी गाइस, कहां तक मैं सच बता रहा हूं, थार ही भारी पड़ेगी इसमें, ट्राई करके देखते हैं भाई। चलो ये वो पीछे ले, थोड़ा सा पीछे ले। बता कितनी लूं? आजा 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 करी ना मेरी भी फर्स्ट टाइम है, इसकी फर्स्ट टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था? अरे बट अबे वो तो गाड़ी फंसी हुई तो निकालना था, पर इसमें एक चीज वो भी तो है ना यार, वो हैवी पड़ेगी इस पे, वो 4x4 है। लेकिन कोई नहीं, लास्ट वाला कौन सा था? इतने थे लास्ट वाले, चल एक एक में जिता दूं इसे। इसे मैं 2v ड्राइव में चला रहा हूं फिलहाल। एक में जिता दूंगा क्या? दोनों बराबर थे। सुनो तीन राउंड करते हैं, नहीं चार कर लेंगे। चलो ठीक है, तीन राउंड। पहले राउंड में मैं रखूंगा 2v ड्राइव में, ठीक है? 3 2v है या वो है 2 ही है ना तेरी? हां तो पहले 2v ड्राइव रखेंगे भाई, उसके बाद 4 हाई, उसके बाद 9 में खींच के ले जाऊंगा। चलो भाई, पर है ना सुनो, बीच में ना हमें बता देना
कि जब ये पूरा सीधा सेट हो जाए, मैं बीच में ऐसे खड़ा हो जाता हूं ना, हां नीचे से तेरे को उठा के ले जाएंगे ऐसे नहीं भाई, इधर भी जाइए सुन, कुछ भी तू जो दाव पे आ जाएगा भाई, लगा नहीं मर हाथ में दवाई हो, इसे ना जैसे पूरा टाइट हो जाए ना तब बताना, तब करेंगे स्टार्ट। ठीक है, अभी मेरी टू व्हील ड्राइव में। ओके चलो भाई, चल भाई मैं यहीं करके देखते, मैं ही तो ऊपर था इधर, ब्रेक मार के आ रहा है, एंड ब्रेक खींच के और नीचे कर दी। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं, तू थोड़ा सा आगे खींच ले भाई। हां तो होगी, ठीक है भाई, हां चले भाई, दूर हट जाते हैं यहां से। रेडी बोलो भाई, कोई कमी भैया मिट्टी उड़ेगी ना भाई, थोड़ा सा ना हनी तू पीछे कर, हनी तू थोड़ा सा पीछे कर भाई, तू थोड़ा सा पीछे कर भाई, रचित तू थोड़ा सा आगे कर, क्या आगे कर, आगे गाड़ी आगे फंस जाएगी मेरी भाई, बस अब ये चलो भाई, पहले पूरा पार पूरा टाइट करवा ले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, तो भाई स्टार्ट करते हैं 1 2 3 के काउंट पे, ठीक है 1 2 3। भाई गाड़ी तो आगे बढ़ी नहीं रही कोई सी भी, न्यूट्रल भाई, पहला राउंड न्यूट्रल भाई, ये तो घुस गई नीचे टायर इसका, घुस गया हाँ। ओ भाई साहब कितनी गंदी स्मेल आ रही है टायर की भाई, पहले पहले वाले में थोड़ा सा हमने खींच लिया वैसे न्यूट्रल भाई, भाई मेरी माँ भाई बताऊँ मेरी माँ धस गई थी, मैंने इतना मजा नहीं आया जितना उस पे आता, मैं कह रहा था तेरे को ऊपर रोड पे मजे ले, रोड पे आएगा मजे, रोड पे आता मजा, बट कोई नहीं, एक बार 4x2 में किया, ऊपर करके भी देखेंगे, एक बार 4x4 में और खींच के देखते हैं, ठीक है अभी 4x2 में खींच देख कर खींचेंगे नहीं खींचेंगे, पहले वो फंस गई वहां, फंस गए और पहले इसको निकलवा फिर फंस गई, भाई तो आगे करेगा ना तो हो जाएगी आराम से, हाँ तो आगे स्मेल आ रही है यार टायर की, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, गंदी आएगी भाई रोड पे, तो पता है मेरे को रोड पे तो और बुरी आएगी, थोड़ी आगे लो अन्नी निकल जाएगी। ओ भाई पैर का क्या हाल कर दिया, क्या कर दिया पूरा ब्राउन, चिकना हो गया क्या, ना चिकना तो नहीं होएगा, ब्राउन हो गया, एक और ले रहे हो क्या, एक और करते हैं, चलो भाई एक और ट्राई करते हैं, चलो आगे कर ले, जा भाई रुक तो जाओ, अपन रुक तो जाओ, 3 2 1 तो वही नहीं, 3 2 1 तो करने दे, तो पीछे करना चल ठीक है, यहीं से करते हैं, ठीक है 1 2 3 पहले कह दिया कि भाई होगी, मेरे को पता चल गया कि कौन होगा कौन नहीं होगा आगे, बाय बाय कर दिया था भाई पहले ही, भाई वो ले जाएगी यार, और कितनी आराम से खींच रही है भाई, ले जाएगी 4x4 है यार, तूने 4x4 में खींची है ना इस बार, आप 4x4 में खींची है, कितनी इजीली खींच के लेगी, मुझे मेरे को पता क्या लगा, मुझे लगा इसने रिवर्स गियर लगा रखा है, इतनी इजीली खींची है, मुझे लगा रिवर्स गियर में खींच रहा हूँ मैं इनकी गाड़ी, थोड़ा सा चक्का घुमा होगा इसका और इसने कह दिया बाय बाय, पावर ही ना लगा, पावर ही नहीं लग रही थी तेरी, ले जा रही है खींचे, मेरे को लग रहा था लिटरली अंदर से ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये तो मुझे लग रहा है रिवर्स गियर में चला रहा है, मैं इतनी आराम से की जा रही है आगे, नहीं भाई पावर ही नहीं लग रही थी भाई, मार ली भाई थार अटक ऑफ बोर्ड में तो एक्सयूवी कुछ नहीं है, ऊपर करके देखते हैं, यहाँ तो नहीं आएगी, मैं एक बार ना रोड पे करते हैं, एक राउंड रोड पे करके देखते हैं, जहाँ पे ड्रैग रेस करी थी वहीं पे, ना ना यहीं कर लेते हैं, आगे चल लेते हैं, चलो भाई एक बार रोड पे करते हैं, तो रेत रखा है ये देखो यार, ये रेत के लिए नहीं बनी है, हाँ गाड़ी के टायर देखो भाई कैसे चिकने चिकने से हो गए, देखो भाई कितने चिकने चिकने से टायर हो गए बिल्कुल, थोड़ा सा पीछे कर दे वो रस्सी खोल के ना, एक बार रोड पे करेंगे यार, मिट्टी में इतनी गंदी स्मेल आ रही है, मिट्टी में इतनी गंदी स्मेल आ रही है यार उसकी टायर की, ये सोचो यार रोड पे करने जा रहे हैं अभी हम, रोड पे कितनी गंदी स्मेल आएगी, ये देखो यहाँ पे पूरा टायर घुमा एक्सयूवी का, ये देखो हाँ क्या ग्रिप बनने के बाद, रोड पे बनेगी ग्रिप, और ग्रिप बनने के बाद है ना तब पता चलेगा ये कितनी खींच पाएगी, ये कितनी, क्योंकि यहाँ मिट्टी में पता नहीं लग रहा घूम रही है ये, हाँ। मेरे वाली घूमती निकाल रही है, हाँ। रोड पे देखते हैं एक बार, टग ऑफ वॉर विकास वर्सेस थार,
भाई ये कितना बढ़िया राइम बन रहा है ना विकास वसीर कार। ले भाई मानस खींच दिया। तो भाई वहां रेत के अंदर करा था टग ऑफ वॉर, वहां तो यार थार को ही एडवांटेज है पूरा का पूरा। वैसे भी थार को एडवांटेज है क्योंकि 4x4 है वो, तो मिट्टी के अंदर तो भाई एक्सयूवी बिल्कुल ये लगा लो मतलब बिल्कुल फीकी पड़ेगी। टग ऑफ वॉर में तो एक्सयूवी नहीं जीत पाई भाई बिल्कुल भी, जीत क्या पाई मतलब टिकी नहीं पाई। तो अभी हम ना एक ट्रायल लेने के लिए वहां जा रहे हैं, जिस रोड पे हमने ड्रैग रेस करी थी वो कंक्रीट है पूरा, तो हम कंक्रीट के ऊपर एक बार टग ऑफ वॉर करके देखेंगे। तो हो सकता है कि वहां पे एक बार को एक्सयूवी का कुछ चांस बन जाए जीतने का, बट अभी तक तो भाई थार के सामने तो कहां ही टिकेगी एक्सयूवी टग ऑफ वॉर के अंदर। तो चलो देखते हैं वहां पे क्या रहेगा। सो गाइस अभी हम आ गए हैं दूसरी लोकेशन पे, यहाँ पे होगा टग ऑफ वॉर का जो अपना सीन है कंटिन्यू, क्योंकि मिट्टी में तो आपने देख लिया कि भाई एक्सयूवी नहीं जीत पा रही है। तो अभी हम यहाँ पे एक हाँ अभी एक बार बांध लेते हैं फिर कर लूँगा, इसलिए मैंने ऐसे लगा दी थी, पहले बांध लेते हैं एक बार। तो भाई देख लो दोनों गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी है साइड में रोड पे, और ऐसा मत सोचना हम ट्रैफिक को जाम करें क्योंकि वो डेड एंड है, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती आगे, तो ये रोड इतना चलता फिरता रोड नहीं है। और अभी एक्सयूवी में बंद रहा है ये पट्टा, यहाँ भी भाई थारी जीत जाएगी मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं, दो ही राउंड खेलेंगे। हाँ दो बहुत है। यहाँ पे मास्क ले आता हूँ। हाँ यहाँ तो भाई टायरों की ऐसी तैसी हो जाएगी, तो वैसी कंक्रीट जब मिट्टी में इतने गंदा धुआं उठ गया था। चलो भाई स्टार्ट करते हैं उसके बाद ही पता लगेगा। क्या हाँ ऐसे ही करते हैं भाई, यहाँ पे वाइड हो जाएगा, जितना वाइड हो सके तो जितना वाइड वहाँ से शूट कर लेना पूरा। चलो 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 आराम से, पहले ना वो करवाना, पहले टाइट करवाना पट्टा। ये देना भाई ये क्या Yes. चाहे कुछ भी कहो इन दोनों की गाड़ियां टूट रही है, हम लोगों को मजे आ रहे हैं। इसको तोड़ूंगा बट्टस को। मैंने कही नहीं भाई, तुम लोग आपस में तोड़ रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा कि तुम तोड़ो। पट्टा टाइट करवा, पट्टा टाइट हल्का। चलो चलो जाने दो, डन है ठीक है भाई, रेडी हो? रेडी, 1 2 3 आराम से, कैमरे में से भी बाहर हो गए ये लोग तो। यार यूं ही खींच लिया थार ने, कैमरे से बाहर हो गया एक्चुअली। जाने दे थार जीती है, बस रोक ले, जाने दे। तो भाई पहले राउंड क्या फर्स्ट राउंड, मेरे को ऐसा लग रहा है फर्स्ट राउंड थार जीती है। वो एक्चुअली का जा रही है, अरे वो रहा ना पार्किंग ब्रेक है वो भाई साहब, पता है अभी फॉरवर्ड 2 में था। अभी पता क्या हुआ, अभी ये भाई इस चीज में नहीं जीत सकती भाई एक्सयूवी। मैं तो 4x2 में था, कसम बताऊं देख दिखाया था इसकी गाड़ी है ना, कह रही मैं जा रही हूं अपने यहां से भाई, मैं तो ऐसे रहता हूं, मैं तो एक ट्राई देता हूं उसके बाद में तो करता बाय क्या करूं यार, ये बर्बाद है यार, मैं पूरा भाई खींची नहीं रही पूरी पुश कर ली गाड़ी बदल के देख ले एक बार। 4x2 में ही है, 4x2 में एक बार गाड़ी बदल के देखते हैं, ये बार गाड़ी चेंज, ठीक है भाई अभी। तो भाई सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं, इस बार हनी इसको चला रहा है और रचित उसको चला रहा है, तो भाई स्टार्ट करें। दो मिनट रुक जाओ भाई, अगर अब की बार एक्सयूवी जीत गई ना तो ड्राइवर का फर्क हो जाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ ठीक है। चलो ठीक है, तो भाई 3 काउंट पे फिर से स्टार्ट करते हैं, लास्ट राउंड है ठीक है। अच्छा 4x4 में करेंगे, चलो ठीक है वो तो फ्रेंडली हो जाएगा। चलो 1 2 3 बस बस, ओ भाई साहब क्या सीन है भाई, व्हाट अ ड्राइंग। कहाँ है रचित, कहाँ है भाई, डिजाइन बन गया वहां देख, क्या नीचे देख रोड, भाई साहब ये देखो यार टायर, भाई साहब ये देखो यार, तूने 4x4 करी थी, नॉर्मल थी जैसी छोड़ रखी थी वैसी थी भाई। एक काम करते हैं अब ना, ये टग ऑफ वॉर में भाई ये भाई जीत गया ठीक है भाई, मैं नहीं कर रहा, टायरों की ऐसी कैसी हो रही है यार देखना यार, तो रगड़ देगी यार वो उसको, मैं क्या ये तो वो तो आगे नहीं बढ़ी थोड़ी सी भाई, वो जरा सी भी आगे नहीं बढ़ी, मैं क्या चला
पावर उसके नीचे कर दी। कोई नहीं तो दोस्तों, देख लिया आपने टग ऑफ वॉर में भाई थार विजेता। सिर्फ तुम्हें ये एमएफ हुसैन की पेंटिंग दिखाने के लिए जो भाई मैंने एक मॉडर्न आर्ट, सुन मॉडर्न आर्ट, मैं एक चैलेंज करना चाहता हूं आर्ट और आर्टिस्ट अपने साइड से, ठीक है। मैंने ना लास्ट वीडियो में पूछा था, ये बंदों से पूछा है, तो मैं एक चीज करना चाहता हूँ कि भाई अपनी थार एक एक्सयूवी और एक वर्टस दोनों खींच के देखेगी एक साथ, एक साथ रोबी तो नीचे हमारे पास अभी नहीं, अभी आगे, नहीं आगे, आगे हाँ दुबा एक और रस्सी लागे उसमें दो ऑप्शन भाई। ये साफ साफ ये बंदा ये कह रहा है कि अगली बार भाई साहब चैलेंज दे दिया है कि विकास भाई की वर्टस प्लस मेरी एक्सयूवी दोनों मिलके थार को खींचे, या दोनों मिलके भी थार को ना खींच पाए। मैं भी कुछ कह रहा हूँ, हाँ। ये बंदा साफ साफ पता क्या कहना चाह रहा है, क्या कि भाई इसके टायर हटाएगा, हाँ। व्हील पे ना इसको सीधा ट्रेन वाली पटरी पे रखेगा और ट्रेन खींचेगा, सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है। एक बार वो भी सुन सुन, दो गाड़ियां मिलके तो खींच सकती होगी थार को, चल अगर ये नहीं होते दो गाड़ियां मिलके, दो गाड़ियां मिलके ना। चलो भाई भाई ये चैलेंज हो गया है भाई, थार एक्सयूवी तो अकेले कुछ नहीं कर पाई, थार को टग ऑफ वॉर में नहीं आ रहा भाई, लेकिन वर्टस मिला के और एक्सयूवी 700 मिला के दो गाड़ियां मिला के देखते हैं कि थार को खींच पाएगी या नहीं। भाई टग ऑफ वॉर करके वापस आ गए, और ये चंद्रमा को देखो, चंद्रमा कैसा है, बिल्कुल लाल, ऐसा लग रहा हॉन्टेड। फोन में ना इतना पता नहीं लग रहा कैमरा में, बट जो आंखों से दिखाई दे रहा है ना, ऐसा लग रहा है भाई कोई सीनरी को देख रहे हम लोग, और आगे चल के अच्छे से दिखेगा। ये देखो अब छुप जाएगा, अब छुप जाएगा। अरे यार कोई नहीं, छत पे चल के दिखाऊंगा अगर गया तो छत पे। सो फाइनली गाइस घर वापस आ गए हैं टग ऑफ वॉर करने के बाद। आपने तो देख लिया भाई, थार की टक्कर नहीं है टग ऑफ वॉर में, अगर एक्सयूवी से भिड़ाए हो सकता है कोई और गाड़ी थार को भी खींच ले जाए। लाइक तेरे को क्या लगता है थार को टग ऑफ वॉर में कौन सी गाड़ी हरा सकती है? और हैवी गाड़ी होंगी यार जो उससे भी ज्यादा, हाँ रेंगलर हरा सकती है, जीप की रूबिकॉन ये सब हरा सकते हैं, तो भाई एक्सयूवी तो नहीं हरा पाई, हालांकि ड्रैग रेस में एक्सयूवी ने हरा दिया था उसे। तो चलो गाइस आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। दो चैलेंजेस मिल रखे हैं, थार वर्सेस एक्सयूवी प्लस वर्चस, दोनों को जोड़ के थार से टग ऑफ वॉर किया जाए, और वर्चस के साथ अभी ड्रैग रेस करनी बाकी है। तो कमेंट कर देना क्या करना है फटाफट, फिर हम आपको करके दिखाएंगे। बाकी कल 11 बजे मिलता हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्यार बनाए रखो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। अभी ऊपर चल के रेस्ट करते हैं भाई, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।